जिस महापुरुष की जयंती मनाने जा मनाए हैं अभी, इनका नाम क्या है जानते हो? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या नाम है? ठीक है। इनका जन्म 1891 ईस्वी में मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में। ये महार जाति से थे। किस जाति से थे? अभी तो है वो शेड्यूल कास्ट में है। किस श्रेणी में है? शेड्यूल कास्ट में है। ये पढ़ने में बहुत ही मेघावी थे। ठीक है। और इन्होंने भारत का जो संविधान बना, उस संविधान में प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमिटी के ये चेयरमैन थे। संविधान बना तो केवल अकेले अम्बेडकर ही नहीं थे, बहुत सारे लोग थे। डॉक्टर देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे, सर गणेश दत्त भी थे, सारे लोग थे, लेकिन प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। ठीक है। और 2 वर्ष 11 महीना 8 दिन में हमारा संविधान तैयार हुआ, जिस संविधान के तहत हमारा देश चल रहा है, उसकी ये निर्माता कहे जाते हैं। और काफी विद्वान थे इन्होंने, इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस कई भाषाओं में भी पीएचडी की डिग्री प्राप्त की थी। ठीक है। ये भारत के पहले कानून मंत्री रहे। कौन मंत्री थे? कानून मंत्री रहे हैं। और इनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हुई। ये हमारे देश के महान पुरुष थे और इनकी जयंती हम लोग मना करके इनके जीवन से हम लोग को शिक्षा लेने की आवश्यकता है। हम लोग को इनके जीवन से प्रेरणा लेना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। आप लोगों में से कोई बोलेगा?